तो यहाँ पे हम वापस से आ गए अपने रो फिरो वाइस्टार में। रो फिरो स्पेस में जाने वाला है स्पेस शिप में बैठकर। तो यहाँ पे कल्लू कालिया क्या कर रहा है भाई, किसी से बात कर रहा है, उसके पीछे उसका भाई है। चलो हम उसके भाई को ऊपर टांग के समंदर के अंदर ले जाएंगे, उसे तैरना आता है या फिर नहीं आता हम चेक करने वाले हैं। तो फटाफट हम इसे ऊपर टांग देते हैं, उसके बाद समंदर के अंदर ले जाएंगे, उसके बाद इसका काम तमाम कर डालेंगे। तो उसके बाद तो हम जाएंगे टिप्सन दादा के पास, क्योंकि वही बता सकते हैं कि हम स्पेस शिप में कैसे जा सकते हैं स्पेस में। तो यहाँ पे कल्लू कालिया भी हमारे पीछे आ चुका है, हमें छोड़ेगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो पूरी फौज लेके आएगा पुलिस वाले के मारने के लिए। यहाँ पे मिलिट्री वाला आ चुका है मुझे मारने के लिए। तेरी हिम्मत कैसे कल्लू कालिया को भाई को मारने के लिए, तू नहीं बचेगा। तो यहाँ पे हमारे पीछे पुलिस लग चुकी है, मिलिट्री बेस वाला लग चुका है, तो हमें बच के रहना पड़ेगा। तो हमें जाना है टिप्सन दादा के पास, वहाँ पे जाने के बाद हमें पता चलेगा स्पेस में हम कैसे जाएंगे। लेकिन ये क्या हुआ, हमारे साथ एक्सीडेंट हो चुका है रोबोट ट्रांसफॉर्मर के साथ। इसके हाथ में बहुत खतरनाक वाली गन रहता है जो कि 4-5 गोली एक साथ छोड़ता है। तो हम आ चुके हैं टिप्सन दादा के पास, लेकिन हमारे पीछे पीछे पुलिस भी आ चुकी है, उसके पीछे गुंडा भी आ चुका है। ये दोनों मिलके मुझे बहुत मारेंगे, तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। छोटे तुझे स्पेस में जाना है तो तुझे यहाँ पे जादू करना होगा, यहाँ पे थोड़ी बहुत तबाही मचानी होगी। तो ठीक है, हम यहाँ पे थोड़ा बहुत जादू दिखाएंगे। लेकिन ये क्या हुआ, यहाँ पे गुंडे की लड़ाई शुरू हो चुकी है पुलिस वाले के साथ में। देखते हैं भाई दोनों में से कौन जीतेगा, पुलिस वाला जीतेगा या फिर ये गुंडा जीतेगा। गुंडे के हाथ में तलवार है भाई, जो कि खतरनाक तलवार है, सीधा काट डाला, काट के सुला डाला। चलो कोई बात नहीं, हमारे हाथ में भी तलवार है, तो हम भी ले चुके हैं तलवार। अब शुरू करते हैं फाइट, तीनों को सुला के जादू करना शुरू करते हैं। यहाँ पर जादू दिखाना था ज़रूरी है, उसके बाद हम जाएंगे स्पेस में जो कि काफ़ी खतरनाक रहता है। तो फटाफट हम यहाँ पे लूट लिए, लूटने के बाद यहाँ पे शुरू करते हैं तबाही मचाना। हमारे पास आ चुका है आरपीजी गन, जो कि सबको एक एक करके ब्लास्ट करना शुरू करते हैं। लेकिन ये पुलिस वाला हमारे पीछे पड़ चुका है, गोली चला रहा है नीचे से, लेकिन ये नहीं जानता फुसफुसिया गन से हमें कुछ भी नहीं होने वाला। कुछ तगड़ा गन लेके आया भाई मेरे को मारने के लिए, यहाँ पे तबाही तो मचा ली। रो फिर तूने, ये अच्छा नहीं किया तूने, यहाँ पे पूरा ब्लास्ट कर दिया मेरी कार को, कितनी महंगी कार थी। तो यहाँ पे हमने तबाही मचा ली, तबाही मचाने के बाद हम आ चुके हैं स्पेस वाले गेम में। रो फिरो जैसा ही गेम है, जैसा रो फिरो के अंदर मिशन आता है वैसा ही इसके अंदर भी मिशन आता है। तो हम इसका मिशन कंप्लीट करने वाले हैं, देखने वाले हैं भाई टिप्सन की जगह पे यहाँ पे कौन हमें मिलने आएगा या फिर हमें मिलने जाना पड़ेगा। तो पहला ये मिशन स्टार्ट हो चुका है। चलो हमें कोई कार या फिर बाइक चाहिए, हमें जाना पड़ेगा मिलने के लिए। तो यहाँ पे टिप्सन की जगह पे कौन रहेगा, यहाँ पे हेल्थ ले लेता हूँ फटाफट। हेल्थ लेने के बाद यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि हमारे पीछे पुलिस लग जाएगी, अगर गोली उसने चला दिया तो सीधा सो जाऊँगा मैं तो। यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी कार है भाई, मतलब कि भाई की हेलीकॉप्टर भी है। चलो हम यहाँ पे पैदल जाएंगे, पैदल तो नहीं जाएंगे भाई, हमें कोई कार चाहिए। ये कार काफ़ी डेंजर लग रही है, ये तो मुझे ठोक के भाग रही है। चलो कोई बात नहीं, हमारे हाथ में रोप है, हम रोप से वापस बुला लेंगे। तो मतलब कि भाई बुला चुके हैं हम इसे। अरे हमको बाहर निकाल दिया है कार में से, बहुत डेंजर गुंडा है, कोई हमें बचाओ, पुलिस बुलाओ। तो यहाँ पे डर के भाग चुका है, यहाँ पे पुलिस आ सकती है, तो हमें बच के रहना पड़ेगा। तो हमें मिशन जल्दी कंप्लीट करना पड़ेगा, मिशन कंप्लीट करने के बाद हमें बहुत सारा पैसा मिलेगा, जिससे कि हम कुछ भी बाय कर सकते हैं। तो फटाफट हम उतरते हैं कार पे से, कार में से उतरने के बाद यहाँ से निकलते हैं मिशन कंप्लीट करने के लिए। तो सामने हमारा बॉस है जो हमें काम देगा, ये हमें काम देने वाला है। तो हमें अपना काम मिल चुका है, हमें इसके पीछे जाना पड़ेगा, इसके पीछे जाने के बाद हमें किसी से मिलना पड़ेगा। चलो हम देखते हैं भाई कौन हमसे मिलने के लिए आएगा। तो यहीं पे आ चुके हैं, तो यहीं पे जाना पड़ेगा अपने को। देखने वाले भाई कितने लोग मुझे मारने के लिए आएंगे। तो यहाँ पे एक गुंडा आ चुका है मुझे मारने के लिए, चलो हम अपनी गन से इसे उड़ा देते हैं। लेकिन ये क्या हुआ, यहाँ पे पुलिस वाला आ चुका है भाई, हमें बच के रहना पड़ेगा। मतलब कि भाई पुलिस वाले ने नहीं देखा मुझे मारते हुए, नहीं तो मुझे यहीं पे सुला देता, पूरी फौज लेके आता मुझे मारने के लिए। यहाँ पे दो गुंडे और आ चुके हैं मुझे मारने के लिए, चलो दोनों गुंडों को मार के सुला देते हैं। उसके बाद यहाँ से फटाफट निकलते हैं। तो हमें मिल चुका है पैसा प्लस एमओ, मतलब कि भाई गोली मिल चुकी है गन की, और यहाँ पे पुलिस वाले की कार है। चलो हम इसके अंदर बैठ के यहाँ से निकलते हैं, ताकि हमें कोई भी ना पहचान पाए। अगर हमें पहचान लिया पुलिस वाले ने तो हमें पीछे दौड़ा के मारेंगे, जो कि ख़तरनाक होने वाला है। मतलब कि भाई यहाँ के पुलिस वाले काफ़ी ज़्यादा डेंजर है, और यहाँ पे मेरा बॉस जिसने मुझे काम दिया था, जिसने मुझे पैसा दिया। चलो कोई बात नहीं, हम दूसरा मिशन कम्प्लीट करेंगे। दूसरा मिशन कम्प्लीट करने के बाद हमें बहुत सारा पैसा, डायमंड सब कुछ मिलेगा। लेकिन यहाँ पर क्या लगा हुआ है भाई, चलो हम यहाँ पर उतर के देखते भाई
ये क्या चीज़ है, चलो हम इसके ऊपर गोली भी चलाएंगे, ये कांच है या फिर ये टीवी है, चलो हम इसे तोड़ के देखते हैं टूटता है कि नहीं टूटता, इसे कुछ भी नहीं हो रहा, चलो कोई बात नहीं हम फटाफट निकलते हैं, नहीं तो यहाँ पे पुलिस वाले ने देख लिया तो हमें बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, उल्टा टांग के मारेगा, मतलब कि भाई बहुत डेंजर मारेगा। यहाँ से हम फटाफट निकलते दूसरे मिशन के लिए, वहाँ पर जाने के बाद ये मिशन कम्प्लीट करेंगे तो हमें बहुत सारे डायमंड बहुत सारा पैसा मिलेगा। लेकिन ये क्या हुआ हमारे साथ, हमारी कार पलटी होने से बच गई, अच्छा हुआ बच गई, नहीं तो हम पलटी मर जाते हैं, अगर हम पलटी हो जाते तो भाई सीधा सुला देते पुलिस वाले, तो क्योंकि ये पुलिस वाले की कार है ना, नुकसान नहीं होना चाहिए पुलिस वाले का, अगर नुकसान हुआ तो हमारा भरपाई हमसे करवाएंगे। तो आ चुका है दूसरा मिशन कंप्लीट करने के लिए, लगभग सामने ही है, चलो हम कार में से उतरेंगे, उतरने के बाद हम इसका मिशन कंप्लीट करेंगे। अब ये मिशन में कितना पैसा मिलेगा, कितना डायमंड मिलेगा, हमें तो बिल्कुल नहीं पता है, ये मिशन कंप्लीट करने के बाद ही पता चलेगा। तो यहाँ पे मेरा आ चुका है दोस्त जिसके साथ हमें मिशन कंप्लीट करना पड़ेगा, हमें इसको बचाना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत सारे गुंडे आएंगे तुझे मारने के लिए, अगर तूने सबको मार के सुला दिया तो तुझे बहुत सारा पैसा दूंगा, माला माल कर दूंगा, जा जल्दी ये मिशन कंप्लीट करना होगा हमें। तो यहाँ पे हमारा मिशन स्टार्ट हो चुका है, ये रो फिरो के जैसा ही गेम है, देखने वाले हैं भाई इसके अंदर कितने सारे गुंडे आने वाले हैं मुझे मारने के लिए। तो यहाँ पे हमारे हाथ में फुसफुसिया गन है जिससे कि हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे गुंडों का, लेकिन ये गन भी काफ़ी ख़तरनाक है। चलो हम यहाँ पे शुरू हो चुके हैं, गुंडे बहुत सारे हैं लेकिन हम दो लोग हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ये तो नाइंसाफ़ी हुई ना, यहाँ पर एक एक करके सबको सुला देंगे। तो यहाँ पर ये मिशन काफ़ी ख़तरनाक होने वाला है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे गुंडे आएंगे, यहाँ पर कुछ गुंडे थे, चलो कोई बात नहीं यहाँ से थोड़ा दूर और जाना पड़ेगा, उसके बाद बहुत सारे गुंडे आएंगे। तो यहाँ पे ये मिशन तो कंप्लीट करने के बाद हमें पैसा ही पैसा मिल जाएगा, तो यहाँ पे हम थोड़ा बहुत लूट लेते हैं, ये गुंडे को मारने के बदले हमें थोड़ा बहुत पैसा मिल जा रहा है और गोली मिल जा रहा है गन की, जिससे कि हमें गोली की कमी नहीं होने वाली, बंदूक की गोली। तो यहाँ पे और भी आ चुके हैं गुंडे मुझे मारने के लिए, चलो एक एक को मार के सब कुछ लूट लिया जाए क्योंकि इनके पास पैसा भी है, गोली भी है, सब कुछ है। तो यहाँ पे हमने सबका सब कुछ लूट लिया, तो यहाँ पे और भी लोग आ गए मुझे मारने के लिए, भाई मारो एक एक करके मारो, सब लोग मिल के मारो, मुझे ही मारो, मतलब कि भाई मेरे दोस्त को कोई मार ही नहीं रहा, उसको भी मारो भाई, मतलब कि भाई मेरा ही खून ख़त्म करोगे क्या। तो यहाँ पे मेरी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा ख़त्म हो चुकी है, बहुत ज़्यादा मार दिया, लेकिन ये क्या हुआ हमारा दोस्त के हाथ में बहुत ख़तरनाक वाली गन है, वो तो सीधा सुला दिया मार के। यहाँ पे लगभग सब लोग सो चुके हैं, ये मिशन कम्प्लीट होने वाला है, ये गुंडे नहीं जानते कि हम कितना ख़तरनाक है, हमने सबको मार के सुला दिया, हम बहुत ज़्यादा ताकतवर बन चुके हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे गुंडे थे, हमारा मिशन लगभग कंप्लीट होने वाला है, यहाँ पे बहुत सारे गुंडे थे, सबको मारने के बाद हमें बहुत सारा पैसा मिल जाएगा। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई लोग क्या कर रहे हो, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन दिख रहा है ना उसे ऑल पे सेट कर लो ताकि हमारी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो यहाँ पे सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को लाइक करना तो बनता है ना, वीडियो को लाइक करने के बाद शेयर भी कर देना। तो यहाँ पे ये हमारा मिशन कंप्लीट हो चुका है, हम आ चुके हैं सबसे ऊंची वाली बिल्डिंग पे, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और हम दूसरा मिशन भी कंप्लीट करने वाले हैं इसके अंदर।